दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रमान फार्मा बट मिस। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मैं ये आपके लिए लेकर आया ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमारे आज का दौर ये ऐसा है कि हम तो ऐसे फूड्स खा लेते हैं, मतलब हमने चिकन है, डिनर खा ला जो हमारे दांतों में फंसा रहता है, या मतलब चिकन है या मीट है या कुछ भी हमारे दांतों में फंस जाता है जिससे हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, या कोई भी अदर इन्फेक्शन हो जाता है जिससे हमारे दांतों में बदबू आने लगती है, मसूड़े सूज जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, खून निकलने लगता है, बदबू आने लगती है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम होती है, ऐसी डिजीज होती है जो हमारी पर्सनैलिटी पर बैड इफेक्ट डालती है, जिससे कि जो है हमारी पर्सनैलिटी पर बैड इफेक्ट पड़ता है। लोग ये कहते हैं इसके मुंह से बदबू आ रही है, कैसी कैसी मतलब बातें करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मतलब आदमी शौक में नहीं करता, ये सिर्फ डिजीज होती है, उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जो पेशेंट है उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिससे कि इसकी ये डिजीज जो है बढ़ जाती है। जिससे दोस्तों, अगर हमें अच्छा इलाज चलना चाहिए, इससे जो है डिजीज बढ़ सकती है। और अगर आपने अच्छा इलाज नहीं मिल पाया, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया या अच्छा प्रिवेंशन उसे नहीं मिल पाया, तो दोस्तों उसके माउथ में कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि सेल्स जो है वो अपना डेवलपमेंट बढ़ाते रहेंगे जिससे उसके माउथ में कैंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ऐसे कौन से मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मेडिसिन्स लें जिससे कि जो है माउथ की प्रॉब्लम को छुट्टी अलविदा कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट करके शेयर करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी नई वीडियो पहुँच जाए विदाउट बेल आइकन मिस किए हुए। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इस डिजीज़ को निपटने के लिए मैं आपको बताऊंगा एंटीबायोटिक्स, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक्स लें जो कि डॉक्टर के पसंदीदा एंटीबायोटिक्स है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मॉक्सिकाइन, जो एम्सोक्लेवान पोटेशियम के साथ में होगा, 625 mg में ही आती है एमोक्सिसिबी, एमोक्सिक्लेवान जो है सी बी है। एक तो ये हो गई एंटीबायोटिक्स, और एक आगे है कि ओ टू है। इसमें दो सॉल्ट होते हैं, एक ऑफ्लाक्सासिन एक ओरिंडाजोल। ये तो हो गई आपके एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अब ये एंटीबायोटिक्स हो गई, अब इसके साथ में एंटीबायोटिक्स से कॉम्बो में हमें क्या लेना है, मेट्रिनाजोल 400, जो कि फिलेजिल के नाम से आती है, फिलेजिल के नाम से आती है। ये तो देखो इसके कॉम्बो में हो गई। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पेन किलर में क्या देंगे, पेन किलर में आइबोमैक्स पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल या एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल। दोस्तों, ये ऐसी पेन किलर टेबलेट्स हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, जितना भी मतलब दर्द होता है वो। और बाकी सपोर्टिव मेडिसिन में मैं आपको रेजिस्टेंस, गैस्ट्रो रेजिस्टेंस बताऊँगा, जैसे कि गैस्ट्रो रेजिस्टेंट हम क्यों देंगे, मतलब एक गैस की दवाई देंगे। अच्छा, आप बताओगे कि अब आप सोचोगे कि माउथ में प्रॉब्लम है, ये गैस की दवाई क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। मेरी वीडियो को जो है स्टेप बाय स्टेप देखें और सेव करके ना देखें, ताकि आप तक आप एक एक स्टेप जान लें जिससे कि आपको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल सके। तो दोस्तों, जो पेन किलर टेबलेट हम खाते हैं तो हमारे पेट में गैस बना लेता है, पेन किलर टेबलेट है, आइबोपैरा है या डाइक्लोपैरा है या साइक्लोपेनेक पैरासीटामोल है, ये हमारे पेट में गैस बना देता है। तो उसे किल करने के लिए, उसके गैस को हटाने के लिए हम पेंटाप्लाजोल देंगे या रेब्राप्लाजोल देंगे या लेंसाप्राजोल देंगे या फिर हम ओमेप्राजोल दे देंगे। ये तो हम हो गया। फिर इसके बाद हम आपको देंगे एक बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की टेबलेट देंगे बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें साथ में बी कॉम्प्लेक्स देंगे, जो जिसमें एक हम जब एमोक्सिसिबी जब टेबलेट खाएंगे तो हमें दस्ताने लगते हैं, हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, तो बी कॉम्प्लेक्स जो है उसे नॉर्मल कर देगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारी मेडिसिंस हो गई, मेडिसिंस हो गई। अच्छा दोस्तों, अब जो कुछ लोग होते हैं जिनके दांतों में बदबू भी आती है, पस भी आता है, तो दोस्तों माउथ वॉश आते हैं, बहुत सारे माउथ वॉश आते हैं, क्लोरोहेक्सासिन एक माउथ वॉश आता है, क्लोरोहेक्सासिन, जो कि हमें गर्म पानी में 5-6 ml डाल लेना है, उसे कुल्ला करना है, लगभग 2 से 4 मिनट हमें माउथ को जो है पानी डाल के कुल्ला करना है, इस तरीके से कुल्ला करना है अच्छे से। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों के दांतों में कैविटी हो जाती है जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, उनके दांतों में झंझनाहट होती है, तो दोस्तों डॉक्टर ज़्यादातर जो है सेंसोडाइन रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, जिससे कि उनकी झंझनाहट खत्म हो जाए। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इससे भी कुछ नहीं हो रहा है कि आपके दांतों में या मसूड़ों में जोड़ों में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास एक रामबाण इलाज है, आप RCT करा लेंगे। अच्छा दोस्तों, RCT क्या है? RCT रूट कैनल ट्रीटमेंट है, जिससे कि आपको 100% और 5 से 7 दिन आप खाएंगे। अच्छा, इसे लेना कैसे, मैंने आपको बताया था, जो
जो तुम्हारी बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट है वो उसे दोपहर में खाना खाने के बाद लेंगे, और जो एंटीबायोटिक्स टेबलेट है इसे ओल्डाजोल के साथ में लेंगे सुबह दोपहर। अगर मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 3 टाइम ले लेंगे, और पेनकिलर टेबलेट भी इसे साथ में ले लेंगे, और गैस्ट्रोलिस्टेंट जो टेबलेट है या कैप्सूल है उसे सुबह खाली पेट लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करके शेयर करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी नई वीडियो पहुंच जाए। और रही बात RCT की, RCT को मैं डीपली बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।